मानव संपदा के अंतर्गत अवकाश संबंधी कुछ नियम और कानून होते हैं जिनको पता नहीं होता, मतलब मुझे भी नहीं पता बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पता होना चाहिए। देखिए, आकस्मिक अवकाश, उपार्जित चिकित्सीय अवकाश, बाल देखभाल अवकाश, प्रसूति अवकाश और ये गर्भपात अवकाश संबंधी में कुछ नियम कानून हैं जो हमको लगता है सबको जानना चाहिए। तो आकस्मिक अवकाश क्या है? कुछ खास नहीं है भाई। प्रार्थना पद, आकस्मिक देख संबंधी प्रारूप, आकस्मिक अवकाश विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन घोषित करें, विद्यालय आरंभ समय के पश्चात आवेदित अवकाश मान नहीं होगा। अब ये प्रार्थना पत्र नहीं है, ऑनलाइन सीधे जाना है, आपको फिल कर देना है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। ऑफलाइन है होता नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन होता है। आगे उपार्जित अवकाश में क्या है? देखिए, जब चीज़ें उपार्जित हो जाती हैं तो आपको सीधे फॉर्मेट होता है, उस पर आपको भर लेना है। फिर भी देख लेते हैं, प्रार्थना पत्र, उपार्जित अवकाश देख संबंधी प्रारूप, विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की संस्तुति करा लीज। नंबर 3, उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने तक उपभोग न किया जाए। यदि सिर्फ आवेदित अवकाश के आधार पर विद्यालय में अनुपस्थित पाए जाते हैं तो आप पे होने वाली किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए आपसे हम जिम्मेदार होंगे। नंबर 4, उपार्जित अवकाश देय तिथि से 3 से 4 दिन पहले आवेदन किया जाना चाहिए, क्योंकि उपार्जित अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है जिसमें समय लगने की संभावना होती है, ठीक है। नंबर 5, ईएल न्यूनतम 3 से अधिक दिन आवेदित किया जाए, 3 दिन से कम ईएल पर विचार नहीं किया जाएगा। उपार्जित अवकाश को अनलीव भी कहते हैं। मेडिकल वाला देख लीजिए, प्रार्थना पत्र है, चिकित्सीय अवकाश देख संबंधी प्रारूप है और चिकित्सक का परामर्श प्रमाण पत्र। नंबर 4, चिकित्सा अवकाश आवेदित करते समय प्रार्थना पत्र, किसी पंजीकृत चिकित्सक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, दोनों संकलित PDF 2 MB से कम अपलोड करना है। नंबर 5, चिकित्सा अवकाश विद्यालय अवधि के प्रारंभ से पूर्व अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्ट पर आवेदित किया जाए। नंबर 6, चिकित्सक के परामर्श पत्र पर बेड रेस्ट के लिए स्पष्ट लिखा हो, बैक डेट में आवेदित किए गए चिकित्सा अवकाश विचार नहीं किया जाएगा। ज्वाइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस लगा हुआ होना चाहिए, यदि फिटनेस नहीं लगा है तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। नंबर 8, चिकित्सीय अवकाश का उपभोग करने के उपरांत विद्यालय में ऑफलाइन ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल पर कार्यभार ग्रहण करें, चिकित्सीय अवकाश लेने संबंधी लगाए गए सभी अभिलेख की छायाप्रति, अवकाश स्वीकृति छायाप्रति अपने विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। वैसे तो हम लोग नहीं रखते, जब सब ऑनलाइन है, PDF भेज दिया है तो सुरक्षित हम लोग नहीं रखते हैं, लेकिन रखना चाहिए। चिकित्सीय अवकाश का दुरुपयोग और गलत तथ्यों का प्रकाश में आने संबंधित कठोर कार्रवाई भी होगी। आगे आ जाते हैं, बाल देखभाल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड केयर लीव, प्रार्थना पत्र होगा, ठीक है, और प्रारूप होता है, प्रधानाध्यापक की संस्तुति हो जाएगी। नंबर 3, अनिवार्य रूप से सभी बच्चों का उल्लेख होना चाहिए। बाल देखभाल में 4 से 5 दिन पहले आवेदन किया जाए, विभिन्न स्तर से स्वीकृति होती, हेडमास्टर, फिर BO, फिर BSc भी। नंबर 5, यदि अवकाश के आधार पर बच्चों की चिकित्सा और पंजीकृत परामर्श पत्र या अवकाश के आधार बच्चे की पढ़ाई है तो बच्चों का आई कार्ड व परीक्षा सारणी होनी चाहिए। नंबर 6, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र संबंधित 10th के ऊपर कक्षा में हाई स्कूल प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए। नंबर 7, बाल देखभाल अवकाश संबंधी प्रारूप पर रूप से पूर्व में लिए गए अवकाशों का विवरण होना चाहिए। पूर्व में विद्यालय में पूर्व से अवकाश चल रहे शिक्षक विवरण अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए। नंबर 8, बाल देखभाल अवकाश पर चल रही शिक्षिकाओं को यदि समय समय पर होने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हैं तो बुलाया जाएगा, तो उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। नंबर 9, किसी भी विद्यालय में यदि पूर्व से 2 शिक्षिकाएँ बालदाल देखभाल पर हैं, ऐसी स्थिति में किसी अन्य शिक्षिका का बालदाल स्वीकृत नहीं किया जाएगा, 2 हैं तो तीसरी का नहीं होगा। मातृत्व या प्रसूति अवकाश मैटरनिटी लीव, प्रार्थना पत्र, प्रसूति अवकाश देख संबंधी प्रारूप विद्यालय के प्रधानाध्यापक संस्तुति करेंगे, चिकित्सक परामर्श, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होगी, शपथ पत्र होगा, जैसे अब शपथ पत्र नहीं लगता है। गर्भपात अवकाश संबंधी नियम है, मिसकैरेज लीव, प्रार्थना पत्र, गर्भपात अवकाश देख संबंधी प्रारूप, प्रधानाचार्य की संस्तुति, चिकित्सक का परामर्श, शपथ पत्र। नोट, किसी भी विद्यालय में 33% 1/3 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं अवकाश पर नहीं रहेंगे, दिशा निर्देश की एक कॉपी प्रत्येक विद्यालय हार्ड कॉपी सुरक्षित रखनी होगी। तो ये कहानी है, ठीक है।
तो ये सिस्टम है। और चलिए खैर, ये था। नमस्कार दोस्तों।